गाइस वेलकम टू जेजे ऑटोमोबाइल ब्लॉग्स और मैं हूं जितेश। सो गाइस आज हम आए हैं नेक्सा के शोरूम में और आज हम आए हैं अपनी जो सियाज है उसे रिव्यू करने। गाइस आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये खड़ी हुई है सियाज और अभी इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा। जो मेरे पीछे मॉडल खड़ा हुआ है डेल्टा मॉडल और कंपनी वाले को सभी दो मॉडल अवेलेबल, एक डेल्टा और सेकंड जो मॉडल अवेलेबल है वो एफ। तो हम दोनों गाड़ियों का रिव्यू करेंगे और देखते हैं कि हमें न्यू क्या फीचर्स मिल जाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबाइए सब्सक्राइब बटन को और साथ में इस बेल आइकन को भी ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हम फ्रंट से बात करें तो जो प्रोजेक्टर्स हैं डेल्टा मॉडल के अंदर आपको सेम मिलेंगे, डेल्टा और सिग्मा मॉडल के अंदर सेम मिलेंगे, बट जो हमारे जीटा और अल्फा मॉडल है उसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्टर मिलेंगे। और जो स्टार्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है ग्रिल। इसके अंदर गाइस सुजुकी ने बिल्कुल एक न्यू ग्रिल दिया आपको, क्रोम गार्निश ग्रिल, और जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हो भी बिल्कुल डिफरेंट दिया है। और बात करते हैं अगर बम्पर की तो गाइस बिल्कुल डिफरेंट बम्पर है, ये पुरानी सियाज से बिल्कुल डिफरेंट है, आपको ये थोड़ा डिज़ाइनर लुक दे दिया है। और फॉग लैंप्स गाइस जो ये वाला मॉडल है डेल्टा है, तो अभी इस डेल्टा की बात करते हैं। साइड प्रोफाइल में आपको गाइस कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं, गाड़ी ने ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। न्यू डिफरेंट अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस जो डेल्टा मॉडल है तो कंपनी पहले डेल्टा मॉडल के अंदर अलॉय व्हील्स नहीं देती थी, बट कंपनी ने एक नया स्टेप उठाया और आपको साइड मॉडल के अंदर डेल्टा मॉडल के अंदर भी आपको अलॉय व्हील्स अवेलेबल होंगे। और ये तो बात हुई आपकी गाइस साइड प्रोफाइल की। अगर आप देखते हैं बैक प्रोफाइल में गाइस आपको कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट जो डिफरेंस दिखेगा जो आपके बम्पर का ये वाला पार्ट है इसके अंदर थोड़ा डिज़ाइनर एक गार्निश दे दिया है। और जो टॉप मॉडल है गाइस इसके अंदर एक क्रोम गार्निश आएगी जो मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाता हूँ। तो अगर कंप्लीट पीछे की बात करें तो गाइस कुछ खास डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं है और ऑलमोस्ट सेम है। और दोबारा से अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो एलॉय का गाइस मैंने आपको बता दिया, एलॉय का बिल्कुल एक डिफरेंट एलॉय दिए हैं। एलॉय वही वाले एलॉय हैं, 15 इंचेस के एलॉय है जो गाइस पहले कंपनी देती थी, बट आपको डेल्टा मॉडल के अंदर भी ये अवेलेबल हो जाएंगे। तो गाइस ये तो एक शॉर्ट रिव्यू हो गया बाहर का, और अब अंदर चल के देखते हैं कि कंपनी ने क्या क्या न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करें और क्या इसमें डिफरेंसेस हमें मिल जाएंगे। सो गाइस अगर सबसे पहले इंटीरियर की बात करें तो कंपनी वाले जो एक सबसे न्यू डिफरेंट आपको चीज़ लिखी गई लगेगा आपको वुडन इंटीरियर। ये कई सारी गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड है, अगर आप सिग्मा डेल्टा अल्फा या जीटा कोई भी मॉडल लेंगे तो आपको ये वुडन वर्क आपको स्टैंडर्ड मिलेगा। आपको मैं दिखा देता हूँ चारों साइड से, ये डेल्टा मॉडल है तो गाइस इसके अंदर भी वुडन वर्क हुआ है। सो गाइस अगर मैं इस म्यूजिक सिस्टम की बात करूँ तो हमें पुराना ही कंपनी जो सुजुकी देती थी पहले वही म्यूजिक सिस्टम है। और अगर इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ऑटोमेटिक एसी आपको डेल्टा के अंदर से स्टार्ट हो जाएगा, डेल्टा जीटा और अल्फा मॉडल में मिलेगा, बट आपको सिग्मा मॉडल में ये वाला फीचर नहीं मिलेगा। और अगर ये बात देखें तो गाइस कंपनी वालों ने बिल्कुल एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करी है, जैसे हमारी जो लग्जरी कार आती है उसके अंदर कवर आता है, तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये कप होल्डर वगैरह के लिए सब कुछ कवर दे दिया है, यूएसबी और चार्जिंग जैक के लिए भी हमें यहाँ पे कवर मिल जाएगा। और अब बात करें कि हम कंसोल की, तो गाइस ये भी बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट कंसोल है, आपको कुछ रिजेंबल बलिनो की याद दिलाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट बलिनो जैसा ये करा है। और गाइस ये भी स्टैंडर्ड है, आपको आरपीएम मीटर और एमआईडी आपको हर एक गाड़ी के अंदर मिलेगी, बस इसमें अगर आप थोड़ा डिफरेंस देखेंगे तो एक डिफरेंस हमारा ये है गेट का, अगर गेट को अनलॉक करेंगे तो गाइस आपको एक नॉर्मल कार बनी आएगी, बट जो हमारे जीटा और अल्फा मॉडल है इसके अंदर हमें थोड़ा डिफरेंट सेटअप मिलेगा, इसके अंदर आपकी प्रॉपर कार बनी आएगी। और एमआईडी की बात करें तो गाइस आपको एवरेज रेंज डिस्प्ले ड्राइविंग टाइम स्टॉप आइडल स्टार्ट टाइम कितनी आपने फ्यूल चलाया, क्योंकि गाइस ये हाइब्रिड है तो आपको एक ये चीज़ मिलती है, क्लॉक और मोशन फ्रंट रियर गाइस गाड़ी आपकी कैसे मूव कर रही है, मतलब टॉर्क पावर जो आप बलिनो में नोटिस करेंगे गाइस वो भी मिल रहा है, और एक्सेलरेशन ब्रेक। और एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ जो कंपनी ने वो दी है ये इंजन मोटर और बैटरी का पावर। गाइस आपको एक और बात बता दूं कि कंपनी वालों ने इसके अंदर 1.5 लीटर का इंजन हाइब्रिड पेट्रोल, मैं डीजल की बात नहीं कर रहा हूं गाइस, पेट्रोल की बात कर रहा हूं, कंपनी वालों ने इसमें बिल्कुल एक न्यू इंजन दिया है 1.5 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। बात करें पीछे की तो आपको पीछे रियर एसी मिल जाएगा, ये हर एक मॉडल के अंदर स्टैंडर्ड है, आपका बेस से लेकर टॉप मॉडल टॉप एंड वेरियंट सब में आपको ये रियर एसी मिल जाएगा। और अगर आप आर्म रेस्ट देखें तो गाइस ये भी स्टैंडर्ड है। और सबसे बड़ी अगर मैं बात करूँ तो गाइस स्पेस की, तो गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस है और सुजुकी ने इंटीरियर में इस बारी काफ़ी एफर्ट करे हैं, आप देख सकते हैं कि बेस कलर का सारा इंटीरियर कंपनी ने दिया है और काफ़ी रिफाइनमेंट और काफ़ी चीज़ अच्छी लग रही है। वुडन वर्क एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सुजुकी का एक नया स्टेप था और ये काफ़ी एक अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी गाइस ये बहुत पसंद आएगा। तो गाइस ये तो बाहर हो गई गाड़ी की पूरी, और एक बारी अब नेक्सा के रिप्रेजेंटेटिव, सर आपका नाम? रोहित नाम है मेरा। तो सही गाइस हमारे साथ रोहित भैया हैं और ये हमारे को सब कुछ बताएंगे। तो गाइस भैया इसके अंदर हमें जो न्यू चीज़ें मिली है वो हमें क्या मिले चेंजेस? सबसे अच्छी चीज़ इस गाड़ी के अंदर जो है फर्स्ट इन सेगमेंट जो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको मिल रहा है जो इंडिया के अंदर फर्स्ट इन सेगमेंट है। अगर मैं बात करूँ 1.5 लीटर में तो आपको मेजर चेंजेस में आपको बताता हूँ।
ये आप इसका इंजन देख सकते हैं, 1.5 लीटर का हाइब्रिड इंजन है। इसमें आपको गाड़ी के 2 पावर्स में आपको पावर मिलती है, फर्स्ट बैटरी पे एंड सेकंड इसका जो है 2 सोर्स में पावर मिलते हैं। जब भी गाड़ी स्टैंड बाई मोड पे जाती है तो इसमें क्या होता है कि गाड़ी के रीजनरेशन आपको पावर मिलती है, जिससे गाड़ी के जितने भी इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली वर्क करेंगे एंड गाड़ी का फ्यूल कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा है। सर जो हमारे पास ये हाइब्रिड है, हमें पेट्रोल और डीजल दोनों में अवेलेबल होगा? हाँ जी, पेट्रोल और डीजल दोनों में। और पेट्रोल में आएगा ये फर्स्ट इन सेगमेंट हाइब्रिड निकाल, पहली बार है जो इंडिया के अंदर फर्स्ट गाड़ी है जो पेट्रोल में हाइब्रिड आपको देती है। डीजल में तो नॉर्मल सभी गाड़ियाँ ये सभी ब्रांड्स में आपको मिलती हैं, लेकिन पेट्रोल में पहली एक ऐसी गाड़ी है जो आपको हाइब्रिड मिलती है, इवन और इवन से भी ये गाड़ी एग्जेम्प्ट है। और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो एयरबैग और EBD स्टैंडर्ड है सब कुछ स्टैंडर्ड है। हमारी गाड़ी के अंदर सभी में स्टैंडर्ड है, नेक्सा सेफ्टी शील्ड के अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी, डुअल एयरबैग, ABS विद EBD एंड आपको इसके अंदर फ्रंट कॉम्पोनेंट्स बम्पर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे एंड सुजुकी टेक बॉडी। तो गाइस ये तो बात हो गई डेल्टा मॉडल की, और डेल्टा मॉडल के जो जो मेन मेन फीचर्स थे मैंने आपको बता दिए हैं, और अब चलते हैं एक बारी देखते हैं अल्फा मॉडल के अंदर में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। ये मेरे सामने मॉडल खड़ा हुआ है अल्फा मॉडल, जो टॉप एंड वेरिएंट है वो खड़ा हुआ है, और ये सर तो ये हमें सबको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले अगर मैं गाड़ी के फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, गाड़ी अगर फेसलिफ्ट हुआ है तो फ्रंट में इसका जो क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुए हैं, जो इसकी जो फ्रंट ग्रिल है ब्लैक ग्लॉसी ग्रिल फ्रंट में इसमें गाड़ी में दी हुई है। सबसे अच्छी खासियत जो है गाड़ी में इसके जो हेडलैम्प्स हैं ब्लैक ही स्मोक्ड हेडलैम्प्स हैं, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद डे टाइम रनिंग लाइट्स के जो काफ़ी इसके लुक को अट्रैक्ट करते हैं, लुक को इन्हेंस करती है, एंड फर्स्ट इन सेगमेंट आपको LED फॉग लैम्प्स मिल रहे हैं जो इस सेगमेंट में किसी में भी ये चीज़ें नहीं मिलती। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको LED प्रोजेक्टर्स प्लस LED फॉग लैम्प्स मिलेंगे, जो इस सेगमेंट में गाइस अभी तक किसी ने लॉन्च नहीं करा था। और आपने पुरानी सुजुकी की कार्स देखी होगी या पुरानी CIG देखी होगी, जो उसके अंदर फॉग लैम्प्स वाइट नहीं आते थे, जो लेटेस्ट कार्स आ रही हैं एस्ट्रोस टाइप उसके अंदर वाइट लाइट्स आ रही हैं, बट ये कंपनी ने काफ़ी मेजर स्टेप उठाया है और बिल्कुल ये वाइट कर रहा है। और स्टार्टिंग की फ्रंट लुक बात करें तो गाइस कंपनी ने काफ़ी मेहनत करी हुई है और काफ़ी कुछ ही एनहेंस करा है। सर जो हमारे पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल है, हमें कौन कौन से मॉडल में अवेलेबल होगी? सिर्फ आपको जेटा एंड अल्फा मॉडल। ओके, एंड ये क्रोम की जो बेजल्स हैं ये सिर्फ आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में ही मिलेंगे, अल्फा मॉडल में ही मिलेंगे अल्फा मॉडल। तो गाइस आप जो फॉग लैम्प कवर देख रहे हैं आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में अवेलेबल होगा, बाकी जो डेल्टा मॉडल में खड़े होते हैं उसके अंदर सिल्वर कलर का एक स्टैंडर्ड आपको फॉग लैम्प कवर का जो गार्निश है तो आपको वो सिल्वर कलर की मिलेगी। गाड़ी में जो फ्रंट की जो ग्रिल्स हैं वो भी 2 टाइप्स में है, फ्रंट में फर्स्ट बॉटम अपर में जो है वो ग्लॉसी में है, एंड बॉटम में जो है उस पर आपको मैट फिनिश में आपको मिलेगा। तो गाइस एक मेजर डिफरेंस ये भी हम देख सकते हैं कि कंपनी ने आगे जो फ्रंट लुक है उसे काफ़ी रिफाइन किया है, आपको डेल्टा मॉडल में भी और जो अल्फा मॉडल इसमें भी आपको काफ़ी डिफरेंस दिख रहे होंगे। टॉप वाली ग्रिल आपको गाइस ग्लॉसी दी है और नीचे वाली मैट दी है। अगर गाइस अब साइड टू साइड की बात करते हैं तो सर ये नए न्यू अलॉय व्हील्स हैं, ये न्यू मशीनरी अलॉय व्हील्स हैं जो सिर्फ एक आपको टॉप एंड मॉडल्स में मिलेगी, इवन इसके डेल्टा मॉडल से ही अलॉय व्हील्स आने स्टार्ट हो गए हैं, पहले सिर्फ आपको जेटा एंड अल्फा में ही मिलते थे बट आपको फर्स्ट इन डेल्टा मॉडल से ही मिलने लगे। सो गाइस जो मैंने आपको अभी दिखाया था डेल्टा मॉडल के अंदर डिफरेंट अलॉय 15 इंचेस के मिले हुए थे, बट जो हमारा अल्फा मॉडल है इसके अंदर आपको डिफरेंट अलॉय व्हील मिलेंगे ड्यूअल कलर में, और ये 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं। तो गाइस ये भी बिल्कुल काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और काफ़ी अच्छे अलॉयज कंपनी ने इसमें दिए। एक बार साइड प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बता दीजिए। साइड प्रोफाइल में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें एकदम सेम है जो पहले सियाज में थी, बट आपको जो फीचर्स हैं ये चीज़ें क्रोम डोर हैंडल हैं आपको जेटा एंड अल्फा में मिलेंगे, एंड विंडो फ्रेम किट्स सेम आपको जेटा एंड अल्फा में मिलेंगे। तो गाइस साइड से कुछ ज़्यादा डिफरेंस कंपनी वालों ने नहीं करा है और ये आपको बिल्कुल पुराने जैसे मिलेगा। क्रोम हैंडल्स और क्रोम गार्निश आपको ये 2 वेरियंट्स में अवेलेबल होगी जेटा और अल्फा मॉडल में, तो साइड प्रोफाइल में एज सच कोई चेंजेस नहीं है। अगर इसमें रियर की मैं बात करूँ सबसे अच्छा जो इसमें दिया हुआ सियाज की जो ब्रांडिंग दी हुई है, अभी तक की किसी भी गाड़ी के अंदर जो उसकी जो ब्रांडिंग है वो सब कैपिटल्स में होती है, बट इसके अंदर आपको स्मॉल में मिल रही है जो उसके लुक को भी अट्रैक्टिव कर रहा है और फील एनहेंस हो रही है। अगेन मैं बात करूँ गाड़ी के रियर कॉम्बिनेशन टेल लैंप्स की, तो ये इसके अंदर LEDs आपको मिल रही हैं जो सियाज में भी न्यूली लॉन्च हुई है। सर जो हमारी जो LED है ये स्टैंडर्ड मिलेगी या सिर्फ टॉप एंड? सिर्फ आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में मिलेंगे जेटा एंड अल्फा। तो गाइस ये जेटा और अल्फा मॉडल के अंदर हमें जो पीछे की टेल लाइट्स है वो बिल्कुल डिफरेंट मिल रही है और बिल्कुल बहुत अच्छी लाइट्स लग रही है गाड़ी की। इवन मैं बात करूँ बेजिंग स्मार्ट हाइब्रिड फर्स्ट इन सेगमेंट जो इंडिया की फर्स्ट कार है जिसमें पेट्रोल में आपको हाइब्रिड मिलता है, तो इस पीछे से आपको काफ़ी कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस आपको दिखेंगे नहीं, जो मैं आपको बात कर रहा था ये बम्पर के अंदर के बेजल्स ये सिर्फ आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में मिलेंगे जो उसके लुक को अट्रैक्ट करता है लेकिन एनहांस करता है। तो भाई जो बात कर रहा था आपको ये पीछे के लुक के बम्पर में, तो जो आपने जो नीचे लोअर मॉडल है उसके अंदर हमें ये सिल्वर कलर का मिलेगा और जो हमारा टॉप एंड वेरिएंट्स है उसके अंदर आपको एक क्रोम मिलेगा। तो भाई पीछे से कंपनी वालों ने इसमें ये भी चेंज करी, और अगर एक और डिफरेंस देखें
तो जो ये वाली आपकी क्रोम गार्ड नहीं चाहिए, आपको टॉप एंड वेरिएंट, ये आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलेगा, आपको डेल्टा मॉडल में नहीं मिलेगा। अब मैं इसके अंदर बूट का आपको दिखाता हूँ। 5-10 लीटर का बूट कर से ऑलमोस्ट पहले वाली गाड़ी की तरह सब कुछ सेम है। अगर जो चेंजेस हुए हैं मेजर चेंजेस, वो हैं उसका अंदर का इंटीरियर जो उसकी लुक को प्रीमियम कर रहा था। पहले के जो सियाज के कस्टमर्स हैं वो उनकी प्रॉब्लम उन्होंने ये फेस कर रहे थे कि इसका जो इनर साइड का जो पिलो है ये चीज़ कवर नहीं था, बट अब कंपनी ने इसको कवर कर दिया जो इसके लुक को प्रीमियम दे रहा है। अगर बाहर के ओवरऑल लुक की बात करूँ तो टॉप एंड वेरिएंट काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक तो अलॉय व्हील्स और जो पीछे की लाइट्स है वो गाड़ी को काफ़ी अच्छी लुक दे रही है, और सियाज को एक कंप्लीट न्यू लुक मिल गया है, बट स्टाइल प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम है। तो गाइस ये तो बाहर बात हुई बात की, अब अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं इंटीरियर में कंपनी ने उसके ऊपर क्या वर्क करा है। सो गाइस अगर इंटीरियर की बात करें तो आपको बिल्कुल एक न्यू डिस्प्ले मिलेगी, MID डिस्प्ले मिलेगी। और अगर हम म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको एप्पल कारप्ले सेम मिलेगा जो गाइस पहले आता था, और जो ऑटोमेटिक AC है जिसके जैसे मैं आपको डेल्टा मॉडल में बताया था ये आपको ऑटोमेटिक आएगा, और ये भी बिल्कुल सेम है डेल्टा मॉडल के अंदर, तो उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस खास डिफरेंस नहीं है। बट इंटीरियर की अगर टॉप एंड वेरिएंट में बात करें तो आपको जो ये फॉक्सवुड इंटीरियर के साथ में एक सिल्वर प्रीमियम फिनिश भी दिया कंपनी वालों ने, तो ये काफ़ी गाड़ी को लुक को एनहेंस कर रहा है और काफ़ी एक प्रीमियम लुक आ रही है गाड़ी की। तो वाइज जो आपका रियर मिरर है वो बिल्कुल सेम है जो हमारे पहले गाड़ी में आता था ऑटो डिमिंग, तो इसके अंदर कुछ खास डिफरेंसेस नहीं हुए हैं। और ये भी गाइज सब कुछ पुराने जैसे ही है, इसमें कुछ खास कंपनी वालों ने वर्क नहीं करा है। जो इंटीरियर में एक मेजर डिफरेंस जो हमें दिख रहा है आपको गाइज, एक तो ये दिख रहा है और एक और चीज़ अगर मैं नोटिस करूँ वो है हमारा क्रूज़ कंट्रोल। आपको क्रूज़ कंट्रोल आपको डेल्टा के ऑटोमेटिक मॉडल्स आपको मिल जाएगा, और उसके ऊपर के जितने भी मॉडल्स आपको सबके अंदर एक क्रूज़ कंट्रोल वाला फीचर मिलेगा। और एक और चीज़ अगर इंटीरियर की बात करें तो गाइज कंपनी वालों ने लेदर सीट्स दी हैं, और बट ये आपको सिर्फ एक टॉप एंड वेरिएंट में ही अवेलेबल होगा, और बाकी आपको दूसरे वेरिएंट में नॉर्मल आपको कपड़े वाली ही सीट्स मिलेंगी। बट जो आपका टॉप एंड वेरिएंट है उसके अंदर आपको ये लेदर की फिनिश में सीट कवर दे लेंगे जो इसकी काफ़ी एक प्रीमियम लुक आ रही है गाड़ी में। सीट में एक मेजर डिफरेंस भी देखेंगे तो कंपनी ने ही इस सीट का जो ये बैक स्पेस है गाइस इसे बढ़ा दिया है, क्योंकि कंपनी वाले बता रहे हैं कि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, और जो थाई स्पेस है गाइस वो भी इंक्रीज कर रहा है, तो आपको कंपनी ने इसमें अंदर सीट्स के साथ भी वर्क करने की कोशिश करी है। अगर इंटीरियर का अगर एक और डिफरेंस की बात करें तो जो हमारे हेडरेस्ट हैं ये गाइस एडजस्टेबल हैं, बट जो हमारे पहले जो सियाज में आती थी उसके अंदर ही इंटीग्रेटेड सीट्स के अंदर आते थे, और बट अब कंपनी ने इसे एडजस्टेबल दे दिया है। गाड़ी की ये एक रिव्यू की बात हो चुकी है और जो मेजर डिफरेंसेस है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बात है प्राइसिंग की, सर एक बार इसके प्राइसिंग क्या रहेगी? पेट्रोल में जो इसका प्राइस रहेगा 8,19,000 रुपये का रहेगा, और यही अगर मैं आप डीजल की बात करूँ तो 9,19,000 रुपये का स्टार्टिंग रहेगा। ये बेस मॉडल की बात करें जो हमारा सिग्मा मॉडल, और अगर इसमें टॉप एंड वेरिएंट की बात करूँ अल्फा की 10,97,000 रुपये डीजल का रहेगा, और पेट्रोल में 9,97,000। तो मोटा मोटा देखा जाए तो कहीं पेट्रोल और डीजल में 1,00,000 रुपये का फर्क है, और जो आपको पेट्रोल में प्राइस मिलेगा उसमें 1,00,000 ऐड करके आपको गाइस इसमें डीजल मिल जाएगा, और डीजल गाइस वही सेम इंजन मिलेगा 1.3 डीजल इंजन हाइब्रिड मिलेगा, और पेट्रोल में इसमें चेंजेस हुए हैं 1.4 से 1.5 हाइब्रिड इंजन कर दिया गया है। सर इसके अंदर जो हमारे वेरिएंट्स हैं हमें कौन कौन से वेरिएंट्स अवेलेबल होंगे? सर टोटल 4 वेरिएंट्स हैं इसके अंदर पेट्रोल में, 4 वेरिएंट्स इन डीजल में, 3 वेरिएंट्स प्लस हो जाएंगे इसमें ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक ये डीजल पेट्रोल दोनों में अवेलेबल है? नहीं नहीं सिर्फ पेट्रोल के अंदर है। ओके, सो ऑटोमेटिक गाइस हमें सिर्फ पेट्रोल में मिलेगी, डीजल के अंदर हमें इसके अंदर अभी ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा जैसे कि पहले आता था। ऑटोमेटिक्स में 3 वेरिएंट्स के अंदर गाड़ी मिलेगी, डेल्टा से स्टार्ट है गाड़ी एंड टॉप एंड मॉडल तक आपको ऑटोमेटिक। सो गाइस अगर ऑटोमेटिक की बात करें तो आपको बेस मॉडल में आपको नहीं मिलेगी ऑटोमेटिक, बट बेस ऊपर जितने भी मॉडल है डेल्टा जीटा और अल्फा उसके अंदर आपको इसमें ऑटोमेटिक का एक अवेलेबल होगा। तो सर इसकी बुकिंग चार्जेस वगैरह भी 11,000 रुपये, और वेटिंग कुछ? वेटिंग अभी ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं हुआ है, बट अप्रॉक्स आप मान के चलेगा 1-2 मंथ्स की वेटिंग करेगा, 1-2 महीने की वेटिंग हमें मिल सकती है। मिल सकती है। तो ये वेटिंग सारे ही साया में होगी, सारे नेक्सा में होगी? तो गाइज ये जो मैं जिस नेक्सा में आया हूँ ये रोहिणी सेक्टर 10 में है, और क्लाउन प्लाजा में ये वाला नेक्सा है, साया नेक्सा करके आया है, साया ऑटोमोबाइल नेक्सा है। मैं सर का आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, और आपको कोई भी अगर क्वेरी हो कोई भी डिटेल्स हो आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और थैंक यू गाइज।